खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना HPH24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ब्यावरा विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार ने किया ओलावृष्टि क्षेत्रों का भ्रमण। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ तहसील में हुई बारिश व ओलावृष्टि से किसानों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। इस संकट की घड़ी में ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा पूर्व विधायक नारायण सिंह पवार ने नरसिंहगढ़ तहसील के ओलावृष्टि क्षेत्र का भ्रमण कर शासन से किसानों को अधिक से अधिक राहत राशि दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान ब्यावरा विधायक नारायण सिंह पवार के साथ नरसिंहगढ़ जनपद उपाध्यक्ष देवी सिंह गुर्जर भी सभी गांवों में दिन भर किसानों के खेतों में भ्रमण करते रहे। इस दौरान ब्यावरा विधायक नारायण सिंह पवार द्वारा नरसिंहगढ़ तहसील के ग्राम छोटा बेरसिया, भीलखेड़ी, भगोर, रनावा, कुंवर कोटरी, रंजीतपुरा, गाडरिया खेड़ी, गोलियापुरा, पलासी, भोजपुरिया, नई दिल्ली, बंजारी, गनियारी, खेड़ी, कुदाली, निनोर, मुआविला, खेदर, हिनोतिया, विजयगढ़, रामगढ़, बरखेड़ा वीर, नरसिंहपुरा, बोड़पुरा, कड़िया चंद्रावत, शाखपुर, धर्मिया खेड़ी, मुंडला बजरंग, रामगढ़, मिठनपुर, सवासी, पचतलाई, पूरा बरायटा, रघुनाथपुरा, बावड़ी खेड़ा, डूंगापुरा, गादिया, चारपुरा, मानपुरा, पांजरा पांजरी आदि गाँवों में पहुंचकर किसानों के खेतों में हुए नुकसान का जायजा लिया और गांव गांव किसानों से रूबरू हुए। वही गांव गांव पहुंचकर किसानों को शासन से अधिक आर्थिक मदद और बीमा राशि दिलवाने का आश्वासन दिया। इधर आज सोमवार को विधायक श्री नारायण सिंह पवार ने राजगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को खराब हुई फसल को लेकर ज्ञापन दिया। वही ओलावृष्टि क्षेत्र में भ्रमण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व जनपद सदस्य लखन भंडारी, ब्यावरा युवा नेता अमित शर्मा, कल्याण सिंह गुर्जर, राजेंद्र व्यास, हनुमंत सिंह यादव, रमेश मीना, बद्री मीना, हेमंत शर्मा, दिनेश प्रजापति, ओम प्रकाश मीना, प्रवीण लहरी उपस्थित रहे। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। ये वो जो खेत देखे हमने सफाई छोड़ गया। अरे बेटी भाइयों, सभी लोग यहाँ खेत में खड़े हैं। गेहूं की फसल जो बर्बाद हुई है ओला गिरने के कारण, इसके कारण जो सूखी फसल है वो पूरी तरह गेहूं का दाना जमीन पे झड़ गिरा हुआ है। जो हरा गेहूं है अभी पूरी तरह टूट चुका है उसका डंठल, और ऐसा लग रहा है कि 100% नुकसान नजर आ रहा है। और पीछे भी हम विजयगढ़, रामगढ़, रघुनाथपुरा, बावड़ी खड़ा, लगभग सभी गांवों की ऐसी स्थिति है। किसानों में बेहद निराशा है, बिल्कुल मुंह के सामने की थाली है, भगवान ने छीन नुकसान किया है। उम्मीद है कि ये सब रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, माननीय कलेक्टर महोदय से सार चर्चा होगी इस बारे में, और शासन तक ये रिपोर्ट जाएगी और जो संभव होगा मदद के लिए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी। ये सभी फसलें सब जगह देखा, सूखी गीली फसल की लगभग एक ही स्थिति है। निश्चित रूप से कोई अति सहयोग नहीं है, लोगों का दर्द वाजिब है। इसी में स्वयं सबके साथ खड़ा होकर के काफ़ी खेतों का निरीक्षण किया, अवलोकन किया है, सब चीज़ें देखने आ रही है। प्रकृति का ये गंभीर संकट है, संबंध में और भी कोई बात करना चाहें तो पटेल साहब है।